सवाल है। एक आप लोगों को पता होगा कि एक शेयर 10 रुपए का होता है जनरली। मैंने आप लोगों को अभी तक जो भी क्वेश्चन दिया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में शेयर जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है। आज की क्लास में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे और मोर और लेस सिक्योरिटीज प्रीमियम ही होगा दोस्तों आज की क्लास में। आज की क्लास काफी हल्की रहेगी, आज की क्लास में कोई ज्यादा ज्यादा कुछ एडिशनल चीज नहीं होगी, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो आज की क्लास में सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर है, आप एक बात बताइए, मैं उसे 10 रुपए का ही बेचूंगा, या मैं सॉरी बेचूंगा गलत वर्ड बोल दिया, इशू करूंगा, या मैं उसे मोर का भी इशू कर सकता हूं। मोर के लिए एम लिख दो, 10 के लिए 10 लिख दो। एक 10 रुपए का शेयर कर सकता हूं, परफेक्ट, ठीक है जी। मान लेते हैं मैंने एक शेयर को 12 रुपए का इशू कर दिया, तो इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए का है सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको पता होना चाहिए शेयर्स आर सिक्योरिटीज, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, उन सबको हम लोग सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, तो वही है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो अगर एक शेयर को मैं 10 रुपए से, जितनी भी उसकी फेस वैल्यू है, उससे अगर मैं उसको ज्यादा का बेचूं, उसे हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको ये वाली बात बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझनी है बेटा, ठीक है। तो वो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस ने, रिलायंस पावर, बेसिकली रिलायंस पावर ने सन 2006 में शेयर बेचा था 420 रुपए का, ठीक है। इस शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हुआ, इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हुआ बेटा, एग्जैक्टली 410 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम था। कई बच्चे सोच रहे होंगे ओ भाई साहब इतना, हाँ दोस्तों कंपनीज जो है वो अपने नाम का खाती है, एग्जैक्टली इतना ज्यादा कंपनी जो है वो अपने नाम का खाती है। और कई बच्चों के जहन में सवाल आया होगा, भाई साहब सर तो 2 रुपए की बात कर रहे हैं, तो इतना। और एक चौंका देने वाली चीज बताता हूँ, 2003 में डाबर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डाबर जिसका च्यवनप्राश आता है, उसके तेल वगैरह भी आते हैं, डाबर का नाम सुना होगा, उसने अपना शेयर बेचा था 863 रुपीज का, 863 का। बता सकते हो शेयर की कीमत कितनी होगी, शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, ऐसे वाइल्ड गैस 10, ठीक है, और एक दो और वाइल्ड गैस 13 रुपए है। अबे दीक्षा 13 क्या सोच के बोला बे, ठीक है, यकीन नहीं मानोगे, 1 रुपए। इसका मतलब कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम, 862 रुपीज का। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, सीरियसली। अब आप में से कितनों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, लोग पागल हैं जो 1 रुपए के शेयर के लिए 863 रुपीज पे करेंगे, कितनों के दिमाग में आ रहा है सवाल, एक बार मी लिख दो, आना चाहिए कईयों के, ऑब्वियसली कईयों के आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा है, इस कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, जो अपने 1 रुपए के शेयर को 863 का भी बेचेगा, उसके बाद भी लोग खरीद रहे हैं शेयर्स को, आप समझ रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द गुडविल, योर ब्रांड वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट द गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ योर बिजनेस, ठीक है दोस्तों। खैर ये सब तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें, जरा वापस किताब के थियोरी की दुनिया में घुस जाते हैं हम लोग। भैया शेयर की कीमत को छोटा सा रखेंगे हम लोग, जो है बेसिकली शेयर की कीमत को, प्रीमियम की कीमत को 2 रुपए 3 रुपए यही सब रखने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने एक चीज बताऊं कि मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, मैंने आपसे बोला कि एक 10 रुपए का शेयर है और मैं इसको 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, 10 रुपए का शेयर है अनन्या बेटा, आपका अभी तक कुछ मिस नहीं हुआ है, ठीक है। एक 10 रुपए का शेयर है और मैं इसको 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, तो शेयर कितने का इशू हो रहा है, प्रीमियम कितने का है बेटा, प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम कितने का है, सही जवाब 2 रुपए का प्रीमियम। तो हम लोग इसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे 10+2, ठीक है।
ठीक है, 10+2, क्या हम लोग इसे 12 बोल सकते हैं कि अच्छा हाँ शेयर की कीमत कितनी है, 12 रुपए, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा, 12 रुपए बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है, 12 रुपए बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, वो अपराध है, वो दंडनीय अपराध है, 12 रुपए नहीं बोल सकते, इट इज ऑलवेज 10+2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ऐसे कैसे करके हम पैसे मंगवाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैं आपसे 3 4 3 करके पैसे मंगवा रहा हूं, तो पैसे को कैसे कैसे, प्रीमियम को कैसे कैसे मंगवाया जा सकता है। दोस्तों प्रीमियम को हम लोग हमेशा मंगवाते हैं किसी कॉल के साथ, जैसे एप्लीकेशन के साथ मंगवाएंगे, या फिर अलॉटमेंट के साथ मंगवाएंगे, या फिर फर्स्ट कॉल के साथ मंगवाएंगे, ऐसे मंगवाते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि यार सिक्योरिटीज प्रीमियम को ना मैं अलग से मंगवा रहा हूँ, ऐसे नहीं मंगवाते, ठीक है, हम हमेशा ऐसे किसी कॉल के साथ मंगवाते हैं। तो मैं ऐसे मंगवा सकता हूँ, जैसे मैंने +2 यहां पर मंगवा दिया, या फिर मैंने इसे एप्लीकेशन में मंगवा दिया, या फिर मैंने इसे इसे फर्स्ट कॉल में मंगवा दिया। जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही कॉल में मंगवाया जाए, इसको मैं अलग अलग कॉल में मंगवा सकता हूँ। जैसे मैंने 1 रुपए यहां पर, 1 रुपए यहां पर मंगवाया, या फिर 1 रुपए यहां पर, 1 रुपए यहां पर मंगवाया। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 50 पैसे एप्लीकेशन मंगवा रहा हूं, अलॉटमेंट में 1 रुपए मंगवा रहा हूं, और 50 पैसे फर्स्ट कॉल में मंगवा रहा हूं। आप लोग समझ गए कि प्रीमियम कैसे भी मंगवाया जा सकता है, इज इट क्लियर बेटा, प्रीमियम कैसे भी मंगवाया जाता है, इज इट क्लियर बेटा, यप पक्का श्योर परफेक्ट। बट द पॉइंट इज, अच्छा बच्चों का सवाल आता है सर क्या ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज, क्या आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि प्रीमियम का पैसा कैसे मंगवाएंगे, गिवन होगा बेटा, एवरी ब्लडी थिंग विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन। बट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि ये आप कहां पे मंगवा रहे हैं, तो आप हमेशा मंगवाएंगे अलॉटमेंट। इट इज अज्यूम्ड कि आपका प्रीमियम का पैसा हमेशा गिवन होता है अलॉटमेंट में, इट इज अज्यूम। रियल लाइफ में ये बहुत ही स्टूपिड चीज होती है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में आपको पता है कि आप प्रीमियम का पैसा कब भिजवा रहे हैं, बट स्टिल इट इज जस्ट एन अजम्पशन बाय CBSE एंड ऑल दी एजुकेशनल बॉडीज दैट अगर पैसा कहीं भी नहीं गिवन है, एवरीवन प्लीज, अगर पैसा कहीं भी प्रीमियम कहीं भी गिवन नहीं है, तो कहां पर मंगवाएंगे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये बनाना है वर्किंग, इस ये वर्किंग नोट नंबर 1 ही तो है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ऐसे करके वर्किंग नोट नंबर 1 ही बनता है। कल पता है क्या हुआ, मैंने सिर्फ यहीं तक बताया, फिर मैंने बोला 4 से 5 वालों को कि बेटा क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने तो कर दिया, फिर मैंने बोला 6 से 7 वालों को, उन्होंने, उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, कि वो कह रहे कि सर करना क्या है, अबे नलायक हूँ, तुम्हें वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है, मतलब तुम्हें बेसिकली ये चीज बनानी है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से बनानी है ये चीज, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, 10+10% प्रीमियम, ये क्वेश्चन है, 10+10% प्रीमियम, और मैं मंगवा रहा हूं आपसे एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए। आपको बताना है कि आप वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे बनाएंगे, बनाइए और डन लिख दीजिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करिए और डन लिख दीजिए, आपको बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है बेटा, आपको ये जो ऊपर वाला जो नोट था ना, ये वाला आपको ये बनाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने कर लिया। तो एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए, टोटल ये कितना है, 10+1 का, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए, 10% मतलब 1 रुपए का प्रीमियम, तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे +1 करूंगा। कोई झूठ नहीं बोलेगा, कितने बच्चे गलत थे या उन्होंने नहीं बनाया, एक बार मी लिख दीजिए, कितने बच्चे गलत थे या उन्होंने नहीं बनाया, गलत या उन्होंने नहीं बनाया, एनीबॉडी प्लीज। अच्छा
सबके सब सही थे। नाइस है। मैंने एंड में 11 लिखा। अच्छा ये कह रहे मैंने एंड में 11 लिखा, नहीं बेटा इसको आपको, एक बच्चा कह रहा है कि मैंने एंड में 11 लिखा, नहीं बेटा इसको आपको 10+1 ही लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ओके फाइन, आई बिलीव आप लोग अपनी गलतियां समझ रहे हैं, मेरे तक अगर गलती नहीं लानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये गलती खुद ब खुद समझनी है बेटा, ठीक है, जो भी गलती हुई है आपको समझनी है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, 1 मिनट बेटा, किसी को बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ऋषा को, ठीक है। अभी समझ कर क्वेश्चन नंबर 2, वैसे कितने कर लिया जल्दी से डन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, सर तो बकवास करते रहेंगे, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ये वही बच्चे हैं जो सर को बोलते रहें तो कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। आउच, दर्द क्यों हो रहा है भाई। ओके क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 4, 3+1, 3, 10+1। कितने बच्चे कह रहे हैं यार इसे एक्सप्लेन कर दो, EXP लिख दीजिए। कितने बच्चे कह रहे हैं शर्माने वाली बात नहीं है, या तो आप सही होंगे या तो आप समझ गए होंगे। कितने बच्चे कह रहे हैं इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ऋषा अगर कुछ एक्सप्लेन करवाना हो तो बता दीजिएगा बेटा। हर्ष कह रहा है सर ऊपर अलॉटमेंट में 4 लिखा है। हाँ बेटा हमारे गांव में तो 4 ऐसे ही लिखता है, लिखते हैं राधे, 4 ही तो लिखा है बेटे, तो जो प लग रहा था प। हर्ष राणा कह रहा है एक्सप्लेन कर दे, अलॉटमेंट में भी 4 लिखा है मेरे। हाँ हाँ भाई पता है मुझे। अच्छा, ठीक है। अच्छा तो नीचे 4+1 होना चाहिए, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे राधे की गलती समझ गए, एक बार मी लिख दो राधे। आई बिलीव आप लोग चैट पढ़ रहे हैं, राधे जो भी लिख रहा है, ठीक। कितने बच्चे राधे की गलती समझ गए हैं। ओके नाइस, राधे खुद अपनी गलती नहीं समझ पाया लेकिन बाकी बच्चे समझ गया, बहुत बढ़िया। राधे जरा अपना माइक ऑन करें, राधे हाँ सर, राधे मेरे भाई, स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, हाँ सर, इसका टोटल कितना है। सर 10। इसका टोटल, हाँ 10 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है तू। इसका टोटल कितना है, 11। 11। इसका मतलब पहले वाले में क्या प्रीमियम इंक्लूडेड है, नहीं, अच्छा तो आपको अलग से ऐड करना है, सर, समझ गया। समझ गए ना। तो राधे सही बता, ये एक्सप्लेनेबल था बेटा, नहीं सर, दिमाग लगाइए, ठीक है दोस्त। थर्ड क्वेश्चन प्लीज, थर्ड क्वेश्चन। सी दिस इज हाउ द आइस विल ब्रेक बेटा। आप में से कई बच्चों को लगता है कि यार सर ना बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल पूछेंगे। अबे अगर मुश्किल पूछना हो तो मैं तुमसे थोड़ी पूछूंगा, मुश्किल चीज सीखने के लिए ही तो मेरे पास आए हो। अगर मैं ही तुम्हें मुश्किल चीजें पूछ लूं तो क्या फायदा, ठीक है। मैं तुमसे सिर्फ हमेशा आसान चीजें पूछूंगा। हाँ भाई, ये भाई ऋषा का आज जो है वो नेटवर्क इशू चल रहा है भाई, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा। चलो कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन प्लीज, 10+20% प्रीमियम। सो मैं आज भी व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हो बेटा क्वेश्चन। एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में, अरे यार हर्ष राणा ये क्या कर दिया तूने, तूने स्क्रीन पे पेन चला दिया यार, ठीक है। ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही होगी ये यहाँ कहीं आपको, ये मैंने नहीं करा है, ये हर्ष राणा ने करा है, ठीक। अच्छा चेक कर रहा था तू, नालायक इंसान, तो कोने में करता चेक। एप्लीकेशन 3, 1 मिनट, पता चल जाता है क्या। हाँ बेटा दीक्षा मुझे पता चल जाता है, जब कोई लिखता है ना तो उसका नाम आता है यहाँ से, मैं नोट वो ऑफ कर देता हूँ, क्यों स्कूल वाली मैडम कोई परेशान करा है। इनेबल, अच्छा कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, अच्छा नॉट येट, नाइस पूछ लिया करो मेरे से, ठीक है। फर्स्ट कॉल में क्या लिखूँ, बैलेंस। दोस्तों वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा करिए और डन लिख दीजिए बेटा। ऋषा
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ आ गया बेटा? ऋषभ, ऋषभ भाटिया, 1 और 2 समझ आ गया बेटा? 3 करो बेटा, चलो चलो जल्दी करो बेटा, शाबाश एवरीबॉडी इन द बैच। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। सर वो सर नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। हाँ बेटा मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले यही लाइन बोली थी बैच में, ऋषा की बहुत नेटवर्क इशू हो रही है। हाँ जी, तो एप्लीकेशन में आ गया है 3 रुपए, अलॉटमेंट में आ गया है 2+2, फर्स्ट कॉल में आ गया है 2 रुपीज, टोटल आ गया 10+2। कितने बच्चे एक्सप्लेन कराना चाहते हैं? सॉरी 4+2, 3, 10+2, सॉरी। जितने बच्चे एक्सप्लेन कराना चाहते हैं वो ईएक्सपी लिख सकते हैं, जितने बच्चे एक्सप्लेन कराना चाहते हैं परेशान मत हो, मैं समझ गया हूँ कौन कौन अनम्यूट करता और कौन कौन नहीं करता, जो नहीं करता मैं उससे नहीं पूछूंगा अनम्यूट करने को। कितने बच्चे एक्सप्लेन कराना चाहते हैं, ईएक्सपी लिख दीजिए बेटा। नाइस, 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब 6 के अंदर प्रीमियम है, इसका मतलब 4 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए का प्रीमियम। नाइस, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, आई बिलीव चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखूं? ठीक है, 10+30% प्रीमियम, एप्लीकेशन के अंदर 4 रुपए इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, अलॉटमेंट में 5 रुपए इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में बैलेंस। जल्दी से दोस्तों, शाबाश होने के बाद डन लिख दीजिएगा बेटा। दीक्षा तो आज बड़े फॉर्म में है। सर डाबर ने एप्लीकेशन में 1 फिर अलॉटमेंट, नहीं नहीं नहीं, डाबर ने 1 साथ 863 रुपीज मंगवाए थे हर्ष, तो अभी भी उसी पॉइंट पे अटका हुआ है। डाबर ने 1 साथ 863 रुपीज मंगवाए थे, एक साथ एप्लीकेशन में सारे पैसे मंगवा लिए। कह रहा जिसको भेजना भेज, जिसको नहीं भेजना भाड़ में जाए। तगड़ी कंपनी है भाई साहब। ओके अच्छा डन कर दिया तुमने, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन में 3+1, अलॉटमेंट 4+1, फर्स्ट कॉल 3+1, टोटल 10+3। इफ यू वांट टू गेट इट एक्सप्लेन्ड जस्ट राइट ईएक्सपी, इफ यू वांट टू गेट इट एक्सप्लेन्ड जस्ट राइट exp, फाइन। कितने बच्चे गलत थे और वो समझ गए कि उनकी क्या गलती है? कितने बच्चे गलत थे, कितनों का वाला पॉइंट गलत था और वो समझ गए? संस्कृति दीक्षा पक्का ना बेटा, समझ गए ना? संस्कृति दीक्षा समझ गए ना? अच्छा ठीक है, दीक्षा समझ गए ना बेटा? दीक्षा 12C। नाइस, आई बिलीव दिस पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक पॉइंट कल एक बच्चे ने परेशान कर दिया मुझे, पॉइंट शेयर करना चाहूंगा मैं उसका। उसने कहा कि सर यहाँ पे 1 की जगह 2 आना चाहिए और यहाँ पर नहीं आना चाहिए प्रीमियम। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? कह रहा सर जब गिवन नहीं होता तो आप प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में मंगवाते हैं। मैंने कहा तो आपके दिमाग में ये कैसे आ गया 2? उसने कहा कि सर देखो यहाँ पर आपको दे रखा 1 रुपए, यहाँ पर आपको दे रखा इसके अंदर 1 रुपए है, और यहाँ पर आपको नहीं दे रखा कि प्रीमियम का पैसा है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा यहीं पर आना चाहिए। अड़ा रहा भाई 5 से 7 मिनट उसी पॉइंट। हम भी अड़े रहे कि नहीं मैंने जो करा वो सही है, ठीक है ये गलत है दोस्तों।
इसके अंदर सिर्फ 1 रुपए है, इसके अंदर 1 रुपए है, इसका मतलब जो 1 रुपए बचा हुआ है वो आपका फर्स्ट कॉल में ही है, मतलब दैट इज वेरी ऑब्वियस। नाइस, क्वेश्चन नंबर 5, आई बिलीव आप लोग समझ गए क्या पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 10+20% प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। अच्छा सोचते हैं जरा, कितना, 3 रुपए, 6 रुपए बैलेंस। भाइयों बहनों हो जाओ शुरू। जल्दी दोस्तों, शाबाश। वंश हो रहा बेटा, लास्ट क्लास में तू नहीं था, देख ली थी तूने क्लास वगैरह। सोल्यूशन तो भेजा नहीं यार तूने। दोस्तों फिर से जरा मैं एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ आपको कि शायद आप लोगों के पेपर चल रहे होंगे, इस चैप्टर में छुट्टी मत मारना, बहुत क्रिटिकल फेज है, चैप्टर में छुट्टी मत मारना, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 6+2, फर्स्ट कॉल 1 रुपए। कितनों ने ये करा एक बार मी लिख दो, ध्यान से एक बार मी लिख दीजिए। संस्कृति आपको इसका जवाब मिल जाएगा अभी। कितने कर रहा है 6+2? अरे बताओ भाई, ठीक है, मतलब एक मिनट, ये ए है। ओके ओके फाइन, अब आ रहे हैं बच्चे। दीक्षा, गुरेशु, तेजस्वी, पलक, खुशी, जानवी। हाँ यार, वहां पे अपलोड नहीं है वो, उससे प्रैक्टिस क्लास थी लास्ट, हमारी प्रैक्टिस थी हमारी, बता दूंगा मैं तेरे को, ठीक है। और 3, 4+2, 3। कितनों ने बी करा एक बार बी लिख देना, जितनों ने ए करा है वो तो रुक जाओ, जितनों ने बी करा एक बार बी लिख दो। संस्कृति, राधे, जैस्मिन, सौम्या, आशी, और बताओ भाई और बताओ। राशि तुमने क्या किया बेटा, तुमने ना तो ए किया है ना तो बी किया है। राशि कह रहे सर मैं आपके साथ हूँ, जो आप सही बोलोगे मैं वो, मैंने वो किया। चॉकलेट की शर्त लगा देता तो वो ठीक कर देती है। हाँ जी, बी वाले सिर्फ इतने ही है। अच्छा दोनों कर दिया, ओए होए, राशि मेरी तरह, राशि ने दोनों कर दिए, ठीक है सर, जिस पे कट्टा मारेंगे राशि उस पे कट्टा मारेगी। नाइस बेटा, नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, ठीक है। एक इसमें सही है, एक इसमें गलत है। फाइन, आई नीड टू ब्रेक सम हार्ट्स। यार एक बात बताओ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एवरीबॉडी इन द बैच, क्या सही है क्या गलत है, मैंने कुछ नहीं बताया अभी। एवरीबॉडी इन द बैच, मैंने आपसे कहा था अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दे रखा मैं कहां मंगवा रहा हूं, तो मैं कहां मंगवा रहा हूं। एवरीबॉडी इन द बैच अलॉटमेंट, दीक्षा तुम्हारा कुछ मिस नहीं हुआ बेटा, ठीक है ठीक है, अलॉटमेंट मंगवा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये 6 रुपए मैं आपसे अलॉटमेंट के लिए ए लिखना, कैपिटल के लिए सी लिखना, मैं आपसे अलॉटमेंट के मंगवा रहा हूं या मैं आपसे कैपिटल के मंगवा रहा हूं। कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज। ये 6 रुपए मैं आपसे अलॉटमेंट के मंगवा रहा, अलॉटमेंट के लिए ए लिखना, कैपिटल के लिए सी लिखना, मैं आपसे अलॉटमेंट के मंगवा रहा हूं या कैपिटल के मंगवा रहा हूं। कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज, अलॉटमेंट या कैपिटल? हर्ष और सौम्या ने सी बोला है। अरे यार संस्कृति, इतनी लंबी लंबी कहानियां क्यों लिख रही हो, जल्दी से जो सवाल पूछा उसका जवाब दो ना यार, ठीक है। अब मैं इस, यही तो सवाल है जो आपको खुद ब खुद क्रैक करना है बेटा, ठीक है, मिल जाएगा आपको जवाब सबका। बट स्टिल दोस्तों मैं आपसे ये अलॉटमेंट के पैसे मंगवा रहा हूँ, कैपिटल इज द रॉन्ग आंसर, मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे मंगवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला सवाल ये है,
अगर मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे मंगवा रहा हूं तो क्या इसके अंदर प्रीमियम होना चाहिए, यस और नो? क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या इसके अंदर प्रीमियम होना चाहिए, यस और नो? जब इंसान गलत होता है ना तो उसको अपनी गलती डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती को जल्दी से डाइजेस्ट करके मूव ऑन करे, ठीक है? इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हाँ जी, जवाब नहीं आया दोस्तों, जवाब नहीं आएगा तो मैं क्लास आगे नहीं लेके चल सकता, I'm very sorry। जवाब दीजिए। अगर सवाल फिर से बताता हूं मैं, ये 6 रुपए अलॉटमेंट के हैं, ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम का पैसा होता है, यस और नो? ग्रेशो आप गलत हैं, हर्ष आप गलत हैं, भवेक आप गलत हैं, राशि आप गलत हैं। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था तो क्या अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम का पैसा था, यस और नो? अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था तो क्या अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम का पैसा था, जल्दी बताइए दोस्तों, यस और नो? था। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे इस वाले केस को और इस वाले केस को कंपेयर करेंगे। पहली बात तो ये ना कंपैरेटिव वाली स्टडीज छोड़ दो कि सर उस क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन वन में तो बाद में इंक्लूड किया, अरे स्वामी ने एक सवाल पूछा सर क्वेश्चन वन में बाद में इंक्लूड किया है, स्वामी अभी मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव वाली पढ़ाई छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, स्वामी एक बात बताओ, इसका टोटल क्या था, इसका टोटल क्या था स्वामी? इसका 10 था, तो क्या इसके अंदर प्रीमियम है, तो क्या इसके अंदर प्रीमियम है? और अगर इसके अंदर प्रीमियम नहीं है तो क्या आप प्रीमियम को अलग से ऐड करेंगे, यस? तो मैंने इसको अलग से ऐड किया। अगले वाले केस में आप समझिए दोस्तों, सारी की सारी चीजें बहुत ही अमेजिंगली कनेक्टेड है, ठीक है, अकाउंट्स है, ये मजेदार सब्जेक्ट है, ये कनेक्टेड है चीजें यहां पर। अगले वाले केस में स्वामी टोटल कितना है, अगले वाले को केस नंबर 2 टोटल कितना है स्वामी? 11 है। इसका मतलब इसके अंदर प्रीमियम पहले से ही है, इसका मतलब इनके अंदर प्रीमियम पहले से ही है, तो किस में प्रीमियम है? अलॉटमेंट में है, तो मैंने इसको डाल दिया 3+1, ठीक है, और ये दोनों चीजें आपको पहले से ही पता थी। अगला सवाल, मैं आपसे स्वामी 5th केस में अलॉटमेंट के कितने, अच्छा एक चीज और, अगर आपको दे रखा है इसके अंदर प्रीमियम है, इसके अंदर प्रीमियम है, इसके अंदर प्रीमियम है, तो जिसके अंदर दे रखा है उसके अंदर है, सीधी सारी सी बात, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, स्वामी अगर आपको गिवन नहीं है, कुछ भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है, एक मिनट में अनवांटेड चीजें मैं जरा हटा देता हूँ, ये अनवांटेड है, इन सबको मैंने हटा दिया। स्वामी अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो प्रीमियम कहां पर मंगवाया जाएगा स्वामी? अलॉटमेंट में। ये जो मैं 6 रुपए मंगवा रहा हूं, ये अलॉटमेंट के पैसे मंगवा रहा हूं या कैपिटल के पैसे मंगवा रहा हूं? अलॉटमेंट के लिए ए लिख दीजिए, कैपिटल के लिए अलॉटमेंट के मंगवा रहा हूं, तो क्या इसके अंदर प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है प्रीमियम कहां पर है, तो क्या इसके अंदर प्रीमियम का पैसा होना चाहिए? That's my point. यही मैं आपको इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, मैं चाहता था कि आप इसको खुद ब खुद इसे क्रैक करें, ठीक है। तो दैट्स इट, अगर इसके अंदर प्रीमियम का पैसा है, ऑब्वियसली ए इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी बच्चे को कोई सी भी चीज बेफालतू में रटनी नहीं है, ठीक है, हर पॉइंट को प्लीज ध्यान से समझिए सर। यही वाला पॉइंट है जो थोड़ा सा इतना सा टेढ़ा है बस। अगर आपको प्रीमियम गिवन नहीं है, अच्छा अगर आपको स्पेशली मेंशनड है कि इसके अंदर प्रीमियम है, इसके अंदर प्रीमियम है, इसके अंदर प्रीमियम है, तो जो दे रखा उसके अंदर प्रीमियम है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो प्रीमियम कहां पर है? कैन आई हैव सम आंसर्स एवरीबॉडी? अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट में है। और इस चीज को समझिए, ये जब मैं आपसे पैसे मंगवाता हूं
तो मैं आपसे कैपिटल के पैसे नहीं मंगवाता, मैं आपसे एप्लीकेशन के पैसे मंगवा रहा हूं, मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे मंगवा रहा हूं, मैं आपसे फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवा रहा हूं। और अलॉटमेंट में 4+2 है, इसका मतलब 4 रुपए, 6 रुपए मंगवा रहा हूं जिसमें से 4 किसके टूवर्ड्स है, 6 रुपए मंगवा रहा हूं जिसमें से 4 किसके टूवर्ड्स है, वंश माइक। यस सर। वंश अलॉटमेंट के कितने मंगवा रहा हूं मैं फिफ्थ केस में? 6। 6 मंगवा रहा हूं जिसमें से 4 किसके टुवर्ड्स है सर? अलॉटमेंट के ही है। अच्छा, मैं अलॉटमेंट के 6 मंगवा रहा हूं जिसमें से 4 अलॉटमेंट के हैं। डोंट यू थिंक ये बात बोलते टाइम भी तेरे को अजीब नहीं लग रही? लग रही है सर। लग रही है ना, बाकियों को भी लग रही होगी, वो शायद मुस्कुरा रहे होंगे। इस केस की बात, आई बिलीव तेरे को स्क्रीन दिख रहा है, मैं यहाँ पर टोटल कितने मंगवा रहा हूँ? 10+3। हाँ, तो टोटल कितने मंगवा रहा हूँ? 13। 13, जिसमें से 10 किसके टूवर्ड्स है? जिसमें से 10 किसके टूवर्ड्स है? 10 किस चीज के पैसे में मंगवा रहा हूं? वंश आपको टाइप करना, टाइप कर सकते हैं, आपको स्पीकर में आना, स्पीकर में आ सकते हैं। जिसमें से 10, मैं चाहता हूं आप लोग ये खुद ब खुद क्रैक करिए दोस्तों। सर नहीं पता मेरे को, बस ऐसे मैं गधेर तेरे ऑप्शन देता हूं। अबे ऑप्शन क्या, अबे कैपिटल के टूवर्ड्स नहीं है 10? यस सर। हाँ तो यस सर कहते, 10 किसके टूवर्ड्स है? कैपिटल के टूवर्ड्स है। हाँ क्या ना भाई, ये अभी ये क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, यस सर। 10 किसके टूवर्ड्स है? कैपिटल के। और 3 किसके टूवर्ड्स है? प्रीमियम। प्रीमियम के। अलॉटमेंट में टोटल कितने मंगवा रहा हूँ? 13। सॉरी 5। छे है भाई, 6 है। अलॉटमेंट में कितने? अच्छा अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन खत्म कर, अब अगले क्वेश्चन में। मैं अलॉटमेंट में कितने मंगवा रहा हूँ? 6। 6, जिसमें से 4 किसके टूवर्ड्स है? कैपिटल के। और 2 किसके टूवर्ड्स है? प्रीमियम। थैंक यू। That was good. आइए दोस्तों, अभी लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो लड़के ही हैं यार जो साथ देते हैं। वंश ठीक है ना, तो थोड़ा सा अटपटा हो गया था, तो ठीक है ना तू? हाँ ठीक है, अभी लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ ये सारी चीजें, मैं आपको कुछ भी रटवाना नहीं चाहता यार, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, या इसे मेरी अच्छाई समझो, मैं आपको कुछ भी रटवाना नहीं चाहता, कि एक भी चीज मैं आपको रटवाना नहीं चाहता कि रटो रटो रटो, ना जी ना। अगर आपको मैं कोई चीज बता रहा हूं तो वो आप भूल जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है? खुद अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगी तो वो चीज तुम लॉन्ग रन तक पकड़े रहोगे। कुछ बच्चे मुझसे एडमिशन के डाउट्स वगैरह पूछ रहे हैं अभी, वो और वो वही वाले को सब डाउट्स पूछ रहे हैं जो फंडामेंटल्स थे, जो आपको बेसिक्स के टाइम पर अच्छे से बताए थे। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, मुझसे डाउट्स पूछो, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन द कॉन्सेप्ट्स लाइक ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, याद है ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वाला था, फर्नीचर स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है बेटे जो आपको याद रखने की, हाँ हाँ यार ऐसा तो कुछ था, क्योंकि वो मैं आपको व्हाट्सएप में नहीं बता सकता और शेयर्स में आपको व्हाट्सएप में नहीं बता सकता। अगर आपको लग रहा है कि चल ठीक है सर, आज से एक महीने के बाद शेयर्स के डाउट व्हाट्सएप में क्लियर करेंगे, सर के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज आपको रियलाइज करनी है कि ये 4 रुपए क्या है, 2 रुपए क्या है, ये सब चीजें आपको रियलाइज करनी है दोस्तों। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं जरा, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 रुपए किसके टूवर्ड्स है? कैन आई हैव सम आंसर्स विद फ्रॉम एवरीवन? 4 रुपए किसके टूवर्ड्स है?
कोई भूले ना भूले, वंश कभी नहीं भूलेगा। और 2 रुपए एसपी लिख देना, सिक्योरिटी पे पूरा मतलब। और 2 रुपए किसके टूवर्ड्स है? सिक्योरिटीज प्रीमियम के टूवर्ड्स है। बहुत बढ़िया। और 6 रुपए किसके टूवर्ड्स है? और 6 रुपए किसके टूवर्ड्स है? अब आप देख रहे हो, जब कॉन्फिडेंस होता है तो कितने सारे आप आंसर्स लिखते हैं, कितने और कितने कॉन्फिडेंटली आप आंसर्स लिखते हैं। आई वांट दैट ब्लडी कॉन्फिडेंस, क्योंकि 1 महीने बाद हो सकता है शायद तुम्हारे वाइवाज हो। उस टाइम अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भैया डब्बा गोल हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक असाइनमेंट है जो मैंने आप लोग को सेंड करवाया था। इस असाइनमेंट में ये तूने नलायक, ये जो तूने करा है ना, ये तेरे पिटाई करूंगा मैं अभी बहुत। तू आइयो किसी दिन, मिलियो, कल तो तू आएगा ही ना, पिटाई करूंगा मैं तेरी अच्छे से। चलिए तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आई बिलीव आप लोगों ने कर लिया होगा। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं वंश, तूने क्वेश्चन करा था बेटा, इसका असाइनमेंट का क्वेश्चन करा था तूने, असाइनमेंट सेंड हुई थी ना तेरे को, किया था? मतलब नो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, आज का कोटा हो गया तेरा, नहीं किया, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम में डालने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। 70,000 शेयर्स, एक काम करते हैं, ध्यान से सुन लो। 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच प्लस 20% प्रीमियम। मैं अज्यूम कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, बस एक चीज मैंने ऐड कर दी, प्लस 20% प्रीमियम। ठीक है, तो 70,000 शेयर्स है मेरे पास 10 रुपए के, प्लस 20% प्रीमियम। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए। दोस्तों आप जब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे तो वर्किंग नोट नंबर 1, अब मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रीमियम का इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आप लिखेंगे 3, अलॉटमेंट में कितना लिखोगे? ध्यान से क्वेश्चन देखो और जल्दी बताओ, अलॉटमेंट में कितना लिखोगे? बताओ भाई। नाइस, 5 प्लस 2, नाइस, 5 प्लस 2। ठीक है, और फर्स्ट कॉल में आपको लिखना है 2 रुपए, टोटल हो गया मेरे पास 10 प्लस 2। आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2 में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास, 1,30,000 है, यहाँ पर आपके पास 70,000 है, करते करते 60 को आप 20 दे रहे हैं, ये सारी चीजें हैं आपके पास, रेस्ट प्रोडाटा है जो शायद 50 का 40 है, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, ये सब चीजें भी आप समझ लेंगे। ये है नोट नंबर 1, ये है नोट नंबर 2। नोट नंबर 3 जो आपका रिफंड वाला होता है, बच्चा प्लीज दिमाग लगाना, गलत मत कहना, ठीक है, फिर देखो गुस्सा उस्सा आ जाएगा मुझे। ठीक है, मनी सेंट ऑन एप्लीकेशन, मैं इस वाले की बात करता हूँ, जरा 3:1 में जो था उसकी बात करता हूँ। मनी सेंट ऑन एप्लीकेशन 60 × 3, 60,000 × 3। मनी यूज्ड ऑन एप्लीकेशन 20 × 3। एक्सेस बच गया 40 × 3। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20 × 5 या 7, 20 × ड्यू ऑन अलॉटमेंट 5 या 7। कितने कह रहे हैं? 5, 5 लिखिए जरा, 7 वालों को देख लिया मैंने, कितने कह रहे हैं? 5। ठीक है, वंश ड्यू ऑन कैपिटल है या ड्यू ऑन अलॉटमेंट है? वंश ड्यू ऑन कैपिटल है या ड्यू ऑन अलॉटमेंट है? एवरीबॉडी आंसर इज, मतलब आई नो यू हैव रिप्लाइड बट स्टिल, 7 टाइप करने में कितना टाइम लग रहा है? एवरीबॉडी द आंसर इज, ठीक है, पक्का, श्योर? तो इंपैक्ट दिखा रहा हूं बस मैं आपको। ठीक है, उसके बाद एंट्री नंबर जो 3 होती है आपके पास, याद है ना, एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? ये वाला 70,000 × 70,000 × कितना, 7 या 5? 70 × 7, बहुत बढ़िया। कैपिटल में कितना आएगा? 70 ×
कैपिटल में कितना आएगा? टू, 70 × 2 में क्या आएगा? 70 × 2 = 1,000। ठीक है, और हो सकता है आपने स्कूल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सुना हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो ये वो टू बाय वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि भाई टू बाय नहीं लगाया तो मार्क्स कट जाएंगे बोल के पागल बनाते थे ना, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रीमियम बोलो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, फोर्थ नोट पे, वर्किंग नोट फोर पे आप लोग लिखते थे ना, मनी ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस ए माइनस बी, ऐसे करके लिखते थे। उसमें भाई और बहनों, मनी ड्यू में 70 × 7 मतलब 490 आना चाहिए या 350 आना चाहिए, 490 या 350, 70 × 7 वाला अमाउंट आना चाहिए या 70 × 5, 490 या 350, जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, 490 माइनस ऑलरेडी सीवी आप कर लोगे। ए, मान लेते हैं ये बंदा 100 शेयर्स के पैसे नहीं भिजवाता, तो टिक क्रॉस है यहां पर, और ए फुल का बंदा है, तो ए में कितना माइनस करोगे, 100 × 5 या 100 × 7, 100 × 5 या 100 × 7, 100 × 7। आप लोग समझ गए सिक्योरिटी प्रीमियम का इंपैक्ट कहां कहां कैसे कैसे पड़ेगा? एक बार यस नो में जवाब दे दो, क्या आप लोग समझ गए सिक्योरिटी प्रीमियम का इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा? दोस्तों कुछ भी नहीं है, लड्डू सा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर फोर, नोट नंबर वन, नोट नंबर टू, जल्दी हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ भाई, स्टार्ट हो जाओ भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। इससे पहले कि आगे बढ़े एक चीज बता देता हूं, अबे यार एक मिनट, हाँ जी, इससे पहले कि आगे बढ़े एक चीज बता देता हूं, अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं शेयर फोर फीचर, मतलब जो लोग पैसे नहीं भिजवाते उनके शेयर्स को हम जब्त कर लेते हैं, मतलब भैया अब वो मेरे शेयर होल्डर्स नहीं है, मैं उनके शेयर को जब्त कर लूंगा, तो उस टाइम पर क्या अकाउंटिंग होती है ये बताऊंगा मैं अगली क्लास में। मजेदार क्लास है, जरूर मतलब मिस मत करिए, वैसे आपके बैच को मिस करता नहीं है, बट स्टिल मिस बिल्कुल मत करिएगा। और अभी के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करना है बेटा, क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी है बेटा, यू नीड टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ। ठीक है, जल्दी से दोस्तों, नोट नंबर वन, नोट नंबर टू, जल्दी से, और चार एंट्री, जल्दी से नोट नंबर वन बनाओ, टू बनाओ, चार एंट्री करो, बाकी तीन चार पांच जो नोट बनते हैं जल्दी से दोस्तों, शाबाश। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बस एडिशनल पॉइंट ये है कि 20% प्रीमियम है बस, शाबाश बेटा। ऋषा बेटा बस क्वेश्चन करना है आपको ये वाला, ठीक है, जल्दी दोस्तों, शाबाश। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, जैसे नॉर्मल चल रहा है बिल्कुल वैसा ही है। अगली क्लास वापस आसान होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जल्दी करिए दोस्तों। अच्छा, सुनो 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 सुनो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सच्ची मुच्ची बताना, कितने कह रहे भाई सिक्योरिटी प्रीमियम वाला समझ कर, एक बार मैं ही लिख दो,
यहाँ यार सिक्योरिटी प्रीमियम समझ गए। एक मिनट रुको रुको रुको, बताओ भाई। यस लिख दो, मी लिख दो, समझ गए यार समझ गए। ठीक है ओके, यस या नो में जवाब देना। कितने कह रहे हैं कि यार हम ना ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आपको सेंड कर देंगे। मी लिख दो, यस लिख दो, हम सर ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आज शाम तक सेंड करवा देंगे, पक्का प्रॉमिस। और नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो मैं कुछ क्या ही उखाड़ लूंगा मैं, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो मतलब देखो यार ये मतलब ना म्यूचुअल है, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी एज सच कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यू डू इट एंड यू जस्ट सेंड इट टू मी, कूल ओके। एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी दोस्तों, यू हैव टू सेंड इट टू मी, ठीक है। अबे यस तो बोल दो, ठीक है। यू हैव टू सेंड इट टू मी, ठीक है पक्का। अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में क्या करेंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, मजेदार टॉपिक है दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, टेक केयर, सी यू, बाय।